हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा कि 4 डिजिट का स्कोर आप कैसा फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी विद इन अ सेकेंड में। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने दोस्तों देखा था कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्कोर मैंने फाइंड आउट किया था, वो भी विद इन अ सेकेंड में। अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। दोस्तों आता हूँ मैं 4 डिजिट का स्क्वायर के लिए। पहला नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों 1510, लेता हूँ मैं यहाँ पे पहला नंबर 1510। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप याद रखिए 1510 में 4 डिजिट है, आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप 10 का स्क्वायर लेना है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 100। 100 में आपको क्या लिखना है, डबल डिजिट लिखना है यहाँ पे, 0 डबल डिजिट लिख दिया, 1 क्या हो जाएगा आपका कैरी हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद करना है इस 15 और इस 10 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 × 10 कितना आ जाएगा 150, 150 × 2 दोस्तों कितना होगा 300, 300, 300 में एक कैरी था आपका ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 301। आप लिखेंगे क्या यहाँ पे दोस्तों, 01 डबल डिजिट, 3 आपका कैरी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। अगर 15 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे 225 प्लस 3 कैरी है मेरा, ये 3 ऐड कर दिया मैंने, कितना आएगा 228 दोस्तों। यहाँ पे आपको एज इट इज लिख देना, ये आपका आ गया दोस्तों स्क्वायर, 4 डिजिट का स्क्वायर 2280100। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आते हैं सेकंड नंबर के ऊपर, सेकंड नंबर ले लिया दोनों मैंने दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4854। ठीक है दोस्तों, मैंने सेकंड नंबर क्या लिया यहाँ पे 4854 दोस्तों। 4854 में आपको क्या करना है, सेम में 54 का स्क्वायर लेना है। मैंने स्क्वायर स्क्वायर वाले डिजिट में बताया था 2 डिजिट का स्क्वायर कैसा फाइंड आउट करना है आपको। तो 54 का स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक नंबर मैंने बोला था याद करने के लिए क्या, 25। बट ये 50 से कितना बड़ा है दोस्तों, 4 बड़ा है, तो आपको 4 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। 50 से कितना बड़ा है 4, 25 में 4 ऐड कीजिए 2916, कितना इजिली आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या दोस्तों, 16 लिखूंगा, मैंने 16 लिख दिया, 29 मेरा कैरी हो जाएगा दोस्तों। अभी क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो 48 × 54 किया तो क्या आएगा 2592 × क्या करना है 2 करना है दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, 9 × 2 = 18, 1 कैरी होगा, 2 × 5 = 10, 1 कैरी है 11, 2 × 2 = 4, 5184 दोस्तों, ये 29 ऐड करना है क्योंकि ये मेरा कैरी था, ये मैंने 29 ऐड कर दिया, कितना आएगा 9 + 4 = 3, 8 + 2 = 10, 10 + 1 कैरी था यहाँ पे 11, और यहाँ पे 1125213 लिखेंगे क्या दोस्तों, खाली 1352 आपका फिर से कैरी हो गया दोस्तों। अभी क्या करना है, 48 का स्क्वायर लेना है, सेम में मैं जैसे मैंने 54 का लिया आपको 48 का लेना है। बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, 48 कितना कम है दोस्तों 50 से, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, लिखना है आपको 04, 25 में से 2 माइनस कीजिए कितना आएगा 23, 23 04, इसमें आपको क्या करना, अपना कैरी वाला पार्ट ऐड करना है 52, तो कितना आ गया 6523। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ गया 2356 1316, ये आपका हो गया 4 डिजिट का स्क्वायर। आते हैं हम दोस्तों अपने थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर में यहाँ पे दोस्तों लेता हूँ क्या 9872 दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे मैंने बड़ा नंबर ले लिया है, ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले 72 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 2 डिजिट का स्क्वायर का वीडियो आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसा हम लोग सॉल्व करते हैं विद इन अ सेकंड में। आपको यहाँ पे करना है क्या करना है दोस्तों, 2 का स्क्वायर लिखना है, क्या आएगा पहले 4, 7 × 2 = 14, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, लिखना कितना यहाँ पे 8, 2 कैरी हो गया आपका, 7 × 7 = 7 का स्क्वायर करना है वापिस, 7 × 7 = 49 + 2 = 51, 49 + 2 = 51, 5184 लिखना कितना दोस्तों आपको यहाँ पे 8451 आपका कैरी हो जाएगा। सेम में आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 98 × 72 कितना आएगा दोस्तों 7056 इंटू 2 कीजिए, कितना आएगा 6 × 2 = 12, 1 कैरी हुआ, 5 × 2 = 10, 1 = 11, 1 कैरी अगर यहाँ पे 0 तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 1412 दोस्तों। आपको क्या करना है यहाँ पे 51 ऐड करना है क्योंकि मेरा कैरी था, मैंने 51 ऐड कर दिया दोस्तों, कितना आ जाएगा 14163, लिखूंगा क्या दोस्तों खाली डबल डिजिट 63, 141 मिला कैरी हो जाएगा दोस्तों, 141 मेरा क्या हो जाएगा ये कैरी हो जाएगा। अभी 98 का स्क्वायर लेना है मुझे, सेम में मिलेंगे दोस्तों,
98 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेना, 64, 4, 6 कैरी हो गया आपका। फिर उसके बाद ये दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 99 इंटू 8 72, 72 इंटू 2 144, 144 प्लस 6 ये कैरी वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 प्लस 6 150, आपको लिखना कितना दोस्तों, 0, 15 आपका कैरी हो गया। 99 सा 81, 9 का स्क्वायर करना है कितना आएगा दोस्तों, 81 प्लस 15 कितना आ गया, 69, 9604, 98 का स्क्वायर है। आपको ऐड कितना करना है दोस्तों, 141, आपका टोटल कितना आएगा दोस्तों, 5479, आपको लिखना क्या है, 9745। जी हाँ दोस्तों, आपका स्क्वायर आ गया 4 डिजिट का। होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलेंगे कुछ ऐसी न्यू ट्रिक के साथ दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। #मैं इसको ईजी बना दूँगा।